दोस्तों, कल का दिन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि जिस तरीके से सोमवार को उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कल का दिन भी उनके लिए काफी अहम रहा। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। आपको बता दें कि कल जैसे ही कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजा, वैसे ही वो क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंच गई, जहां पर शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी। राज कुंद्रा के सामने ही शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की मुंबई की क्राइम ब्रांच ने। इसके साथ ही राज कुंद्रा के सामने जो सवाल शिल्पा शेट्टी पे दागे गए, उसके बाद उनकी भी हवा खराब हो गई। घर में तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी जब्त की हैं। इसके साथ ही एक लैपटॉप भी बरामद किया है, जिसमें पुलिस को शक है कि बहुत ज्यादा अहम सुराग हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी सेल के दो अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से 20 से 25 सवाल पूछे, जिसको लेकर शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को भी काफी जानकारी दी थी। राज कुंद्रा को सामने बैठाकर पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछा कि क्या आपको राज कुंद्रा के पॉन रैकेट के बारे में पता था? इस रैकेट से मिले पैसे व्यान इंडस्ट्री में जाते थे, जिसने वो खुद 2020 तक डायरेक्टर पैच जिसमें वो खुद 2020 तक डायरेक्टर रह चुकी है। इस पर शिल्पा शेट्टी ने कहा कि जो भी वीडियो हॉटशॉट पर है वो पॉन नहीं है, बल्कि इरोटिक है। शिल्पा शेट्टी ने ये भी कहा कि इसके जैसा कंटेंट तो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी है, जिसमें से बहुत ज्यादा ऑब्सीन होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राज कुंद्रा तरह ही शिल्पा शेट्टी ने भी पुलिस को कहा कि उनका उन वीडियो बनाने में कोई हाथ नहीं है, जिन वीडियो को क्राइम ब्रांच पोर्नोग्राफ बता रहा है। जी हां, 200 अश्लील फिल्म मामले पर राज कुंद्रा का बचाव करती नजर आई है शिल्पा शेट्टी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज कुंद्रा जो फिल्में हॉटशॉट पर अपलोड किया करते थे, वो फिल्में दरअसल पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिक हुआ करती थी। राज कुंद्रा ने पुलिस को ये भी बताया है कि सारी चीजें उसके जीजा प्रदीप बख्शी लंदन से चलाता है और वो सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कुंद्रा के खिलाफ कोई सबूत हैं, जिससे ये साफ हो जाती है कि वो सब जानता था, हर चीज से डील करता था और उसका जीजा जो कि लंदन की कंपनी का मालिक है, वो ही नाम का है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर शिल्पा शेट्टी को डायरेक्ट लिंक इस मामले से जोड़ा जाए। जी हां दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी को मुंबई की क्राइम ब्रांच की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि 2020 तक ही शिल्पा शेट्टी व्यान कंपनी में डायरेक्टर थी। उसके बाद उन्होंने उस कंपनी का डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था।